चार धाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं के पिछले सभी रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक महीने में ही 14 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 7 महीने चलने वाली इस यात्रा में 34 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड है जो 2019 में बना था। उसके बाद कोरोना की वजह से 2 साल तक सिर्फ सांकेतिक यात्रा हुई। यात्रा अक्टूबर तक चलती है। पहली बार केदारनाथ धाम के रास्ते पर पैदल चलने वाले यात्रियों का भी जाम लग रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं कई लोगों को धामों पर ठहरने के लिए होटल या होम स्टे में बुकिंग नहीं मिल रही। आपको बता दें कि प्रशासन पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अगर कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो यात्रा करने से बचे ताकि कोई परेशानी ना उठानी पड़े। उत्तराखंड के पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि इस बार यात्रियों का रिकॉर्ड टूटने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।